खैर देखना होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से, जहां आतंकवादी हमला हुआ। कठुआ के हीरानगर में एक घर पर फायरिंग हुई है। सैदा गांव में आतंकियों ने घर पर फायरिंग की है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है, दूसरे आतंकी की तलाश जारी है। कठुआ मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि दूसरा आतंकवादी गांव में ही कहीं छुपा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में एक जवान की भी शहादत हुई है। मंगलवार को रात करीब 8 बजे कठुआ जिले के हीरानगर स्थित सैदा सुखल गांव में ये आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीर दास घायल हो गए थे। बुधवार सुबह यानी आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। आतंकवादियों की फायरिंग में एक ग्रामीण भी घायल हुआ है, ये भी जानकारी मिल रही है। वहीं पुलिस ने हमला करने वाले दो में से एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है, दूसरा आतंकी गांव में ही कहीं छुपा हुआ है। उसने मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसएसपी कठुआ की गाड़ी पर भी फायरिंग की है। दोनों बाल बाल बचे हैं। आतंकी और पुलिस के बीच अभी भी फायरिंग चल रही है। बाद जैसे ही ये नमूदार हुए इलाके में लोगों ने अपने, जैसे इन्होंने कोई एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपी टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर, होस्टेज वाला भी कुछ खबर? ऐसी अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफी चल रही है कि काफी लोग आहत हुए हैं। तीन उसमें जो सिविलियंस है उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड है, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। इसके अलावा जो अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं इसकी रिगार्डिंग किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं, तो लिहाजा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन रूमर्स में ना जाए और हम इसका पहले कन्फर्मेशन देंगे, उसके बाद ही हम कुछ। छत्रकला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का ज्वाइंट नागा है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। तो इस आतंकवादी हमले के बाद कठुआ में मेगा ऑपरेशन जारी है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। कठुआ में आतंकवादियों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की है। दो आतंकवादियों ने घर पर गोलियां बरसाई हैं। बड़ा ऑपरेशन इस वक्त कठुआ में चल रहा है। सुरक्षा बलों की पूरी टीम इलाके को घेरे हुए है। 15 से 20 राउंड फायरिंग आतंकवादियों की ओर से की गई है। दो आतंकवादियों ने एक घर को निशाना बनाया, ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। फिलहाल एक आतंकवादी की तलाश की जा रही है जो छुप छुप कर फायरिंग कर रहा है, गांव में ही छुपा हुआ है। एनकाउंटर मौके पर अभी भी जारी है, यानी मुठभेड़ चल रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को इस वक्त घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दो आतंकवादी यहां पहुंचे थे जिन्होंने 15 से 20 राउंड फायरिंग की। एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। हालांकि एक ग्रामीण भी इस दौरान गोली से घायल हुआ है और एक जवान की शहादत भी हुई है। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आपका स्वागत। विंग कमांडर प्रफुल बख्शी जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत प्रफुल बख्शी जी आप ही से, ये जो एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं और डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है, अब आम नागरिकों को भी निशाना आतंकवादी बना रहे हैं, ये जो हमला हुआ दुखद है और बीते 3 दिन में 3 बड़े हमले कैसे आप देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है। जी सर बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आतंकवादी जो अपना काम कर रहे हैं ये पहले से करते आए थे और करते जा रहे हैं, इनकी काम करने में कोई कमी नहीं आई है बल्कि इन्होंने बढ़ा दिया है, ये दिखाने के लिए कि चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहें आप पे आतंक डाल सकते हैं। और ये आतंकवादी जब आता है बड़े आराम से, देखिए एक एनकाउंटर में छुपा हुआ है विलेज में, लोकल्स के हेल्प के बिना ये आतंकवादी नहीं आ सकता जी। जो स्लीपर सेल होता है उनका, जो कि एक मदद कर रहा है, मैं ये नहीं कहता सारा गांव मदद कर रहा है, पर जो मदद करने वाला है वो भी छुपे हुए हैं, यही हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, वो उनको स्लीपर सेल कहते हैं, उनको अकोमोडेशन देना, एम्यूनिशन देना, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना, वो सारा कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है, पीओके के एरिया से बड़े आराम से अंदर आते हैं और आतंकवाद करके चले जाते हैं।
और इनको कोई रोकता नहीं है, इनको रोक नहीं सकता। लोग ये कहते हैं कि टूरिस्ट तो आ रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा। जो वहाँ के लोग समझते हैं, जो इस आतंकवाद को सहारा दे रहे हैं कि टूरिस्ट उनको पैसा देते हैं, वो उनको नहीं टच कर रहे, वो टच कर रहे हैं ये यात्री वात्री जो आते हैं और आतंक फैलाने के कार्यक्रम में जो उनको मदद कर सकते हैं, उन्हीं के थ्रू ये आतंक कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, आर्म फोर्सेस पे अटैक कर रहे हैं, पैरामिलिट्री पे अटैक कर रहे हैं। ये दर्शाना चाहते हैं पाकिस्तान की आर्मी से सपोर्ट है, ISI से सपोर्ट है, इनके लॉन्च पैड POK में बने हुए हैं कि हम अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, स्लीपर सेल इसे खाद पानी दे रहे हैं, क्योंकि रायसी में भी जब भी हमला हुआ था तब भी कई संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी मोहम्मद अली शाह, क्योंकि जैसा कि अभी बख्शी साहब ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें वहां पर पनाह दे रहे हैं या आतंकवादियों को मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि 20 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ भी होगी, पूरा मामला खुलेगा, लेकिन जिस तरह की घटनाएं अब बढ़ चली हैं, ऑपरेशन लगातार सुरक्षा बलों की ओर से चलाया जा रहा है, लेकिन क्या टाइमिंग को लेकर आप देखेंगे, क्योंकि एक तरफ तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, कोई लिंक है इसमें, कनेक्शन है? जी बिल्कुल, मेरे को लग रहा है कि इन्होंने ये प्लानिंग महीनों पहले कर रखी थी और टाइमिंग के हिसाब से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। जब यहाँ पर एक तरफ नई सरकार बन रही थी, उसकी शपथ ली जा रही थी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की शपथ ली जा रही थी, दूसरी तरफ एक तरफ एक क्रिकेट मैच भी चल रहा था। अगर आप वो एक क्रिकेट मैच इंडिया पाकिस्तान का, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट था क्रिकेट मैच देखने में, और यहाँ पर उग्रवादी आतंकवादी आत्मघाती हमला होता है यहाँ पे। तो देखिए ये बात, मैं इस इलाके में ना जो अखनूर सेक्टर है, टांडा सेक्टर है, मन सन 2003 से 2005 तकरीबन 20 साल पहले, 2 साल यहाँ पे अपनी सेवा दे चुका हूँ। हाँ। और ये पूरा इलाका पोनी, रियासी, सुंदरबनी, शिवखोरी जितना भी है वो मैंने ऑन ग्राउंड पेट्रोल किया है, गाड़ियों में नहीं, ऑन ग्राउंड जमीन पे पैदल चला वहां पे घने जंगलों में वहां पे, और इतना घना जंगल है कि अगर आपको 5 मीटर दूर बैठ के कोई आप पे एम्बुश खोल दे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये फायर आग कहां से रही है, इतना घना जंगल है। लोग पूछते हैं कि ऐसा घना जंगल हो गया सकता है, हाँ वहां जाइए देख के आइए। देखिए इसी मौके का फायदा उठा के इन आतंकवादियों ने पाकिस्तान बैक ये इस घटना को अंजाम दिया है। इस ईंट का जवाब हमको पत्थर से देना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं, 100% देना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कभी मानने वाले तो है नहीं, ये नासूर है, कुत्ते की तो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो बात ऐसी है कि अगर हमने एक, जैसे हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, हमने एयर स्ट्राइक्स किए, 12 स्ट्राइक, हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, ईरान ने इनके घर में घुस के इनको मारा है, तो फिर बात ऐसी है कि अगर इसका एक जवाबी कार्रवाई तुरंत ऑन टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने टाइमिंग के हिसाब से कार्रवाई करी ना, हमको भी टाइमिंग के हिसाब से कार्रवाई करेंगे और जगह जब जैसे हम तय करेंगे कैसे करनी है। बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर भी लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा बलों के इतना चौकन्ना होने के बाद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ज़रूर लोकल लेवल पर इनकी मदद की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति है, क्यों ये घटनाएं हुई हैं, अजय जांडियाल जो कि मेरे से होगी, उन्होंने खास रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सांबा के हीरानगर सेक्टर में बीती रात शुरू हुई मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लगातार CRPF और भारतीय सेना के साथ मोर्चा संभाले हुए है। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा इलाका जो है इसे कॉर्डन ऑफ किया गया है और कोशिश ये कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जो है मार गिराया जा सके। बख्तरबंद गाड़ियों के भीतर जो है पूरे इलाके में जो है डिप्लॉयमेंट की गई है। दस एक पुल के पास जो है एक आतंकी जो बचा हुआ है वो छुपा हुआ है और वहीं से उसने कुछ समय पहले लगभग 3 बजे के करीब अचानक से फायरिंग शुरू कर दी और अचानक से फायरिंग जो कि उसने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की प्रयास की, कॉर्डन तोड़कर वहां से भागने का प्रयास था मगर सुरक्षा बलों ने लगातार मोर्चा संभाला। इस जो फायरिंग में अभी तक एक सुरक्षा बलों के जवान की जो है वो जख्मी होने की खबर है जबकि एक आतंकी को जो है मार गिराया गया है। आपको बताऊँ कि दरअसल ये जो इलाका है यहाँ पर बीती रात आतंकियों ने आकर सिविलियन जो लोग थे उन पर हमला किया और उसके बाद हमला करके वहाँ एक
घर में जो है वो छुपे। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और तुरंत जो एडिशनल ट्रूप्स थे वो यहाँ पे पहुँचे, जिसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF जो है वो लगातार मोर्चा संभाले हुए और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो सके। ये पिछले अगर आप देखें तो 48 घंटे में तीसरी जो है आतंकी वारदात है, जिसमें सबसे पहले रियासी में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें एक बस को निशाना बनाया गया, जिसमें 9 यात्रियों की मौत हुई। दूसरा हमला जो है हीरानगर के इसी इलाके में हुआ, जब एक सिविलियन को निशाना बनाया गया, एक सिविलियन जो है इसमें जख्मी हुआ है, जबकि एक आतंकी मारा जा चुका है। और तीसरा हमला जो है वो डोडा के छतरगला में हुआ, जहाँ पर 2 सुरक्षा बलों के जवान जख्मी हुए और वहाँ पर भी मुठभेड़ अभी जारी है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द आतंकियों के जो मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के, उसे नाकाम किया जा सके। मंडी डिगरा के साथ अजय झंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। एक और बड़ी खबर, कश्मीर में तीसरा आतंकवादी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी एनकाउंटर हुआ है। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। डोडा में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर गोलीबारी